हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5 पृष्ठ रसायन का फुल केमिस्ट्री नोट्स, नहीं, हैंड रिटेन नोट्स देखेंगे कंप्लीट। तो चलिए शुरुआत करते हैं पृष्ठ रसायन की परिभाषा से। यहाँ पे इसका परिभाषा है, फिर आगे अधिशोषण के बारे में है, इसको लिख लीजिए। फिर आगे थोड़ा सा फिगर है, इसको भी बना लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, फिर ये रहा और भी पॉइंट्स है, इसको लिखिए। फिर आगे अवशोषण के बारे में है, फिर विशोषण के बारे में है परिभाषा। अब आगे देखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर के बारे में है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आई है, ज़्यादा पूछता है यहाँ ये सब। फिर अधिशोषण की क्रिया विधि, मतलब कैसे अधिशोषण होता है, ये भी VBI पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे फिगर में ड्रा किया गया है। फिर शायद आपको फिगर ना समझ में, कोई बात नहीं, जैसे आप बना लीजिएगा, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पे भी फिगर है, इसको भी बना लीजिए। फिर आगे यहाँ पे और पॉइंट्स हैं उसी के बारे में, क्रिया विधि के बारे में। फिर एंट्रोपी परिवर्तन निगेटिव होता है, एंथैल्पी परिवर्तन निगेटिव होता है, गिब्स ऊर्जा में कमी वो भी निगेटिव होता है, और यही समीकरण VBI है। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे पॉइंट्स है, इसको लिखिए। फिर यहाँ पे अधिशोषण की स्थिति में क्या क्या होता है, समीकरण कैसा हो सकता है, उसके बारे में जिक्र है, इसको लिख लीजिए। फिर आगे देखते हम लोग, इसको लिख लीजिए आप। और यहाँ आगे देखते हम लोग अधिशोषण के प्रकार, तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनमें अंतर इम्पोर्टेंट है, दोनों में अंतर, ये ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। फिर आगे देखिए, फिर आगे यहाँ पे भी अंतर लिखा गया है। अब आगे है अधिशोषण समतापी, ये ज़्यादा VBI है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए ही ज़्यादा VBI है। फिर यहाँ पे वक्र है, इसका समीकरण, ये वाला समीकरण ज़्यादा VBI है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, फिर यहाँ पे फिगर है, फिगर आप किताब में से भी बना सकते हैं या यहाँ से भी बना लीजिए। फिर आगे लॉग लिया गया है दोनों तरफ, लॉग लेकर फाइनल समीकरण प्राप्त किया गया है, जो ये रहा। फिर आगे भी देख लेते हैं, हाँ यही फाइनल है, आप इसको घेर सकते हैं पूरी तरह से। फिर आगे देखिए, फिर अब यहाँ पे इस रेखा का, इस समीकरण का ग्राफ खींचा गया है, क्योंकि ये सरल रेखा बताता है, इसलिए सरल रेखा का ग्राफ यहाँ पे कुछ ऐसा जो बनेगा। फिर अब आता है विलयन प्रावस्था से अधिशोषण, विलयन में अधिशोषण के लिए क्या करेंगे, सी लिया जाता है सांद्रता को, वहाँ पे पी लिया जा रहा था गैस के लिए, यहाँ पे सी लिया जाएगा, तो बस जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ सी रख देंगे। आगे देखिए, फिर आ गया उत्प्रेरण, ये भी PBI है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे ये समीकरण से कुछ, फिर उत्प्रेरण के प्रकार हैं यहाँ पे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे आ गया विषमांगी उत्प्रेरण, उसके बारे में लिख लीजिए। फिर यहाँ पे समीकरण से फिर आ गया वर्धक, और एक होता है विष, उसको भी देख लीजिए आगे। यहाँ पे है उत्प्रेरक विष, इसको भी लिख लीजिए। फिर आगे एंजाइम उत्प्रेरक है, तो ये VBI है एंजाइम उत्प्रेरक एग्जाम की दृष्टि से। फिर आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स है एंजाइम उत्प्रेरण के बहुत सारे, एग्ज़ाम में तो आप एक दो लिख देंगे तभी चलेगा, इतने सारे हैं, सारे लिख लीजिए। फिर आता है कोलोइड, ये भी VBI है एग्ज़ाम की दृष्टि से। फिर आगे देखते हैं, यह है कोलोइड के बारे में और कुछ पॉइंट्स, इसको भी लिख लीजिए। फिर आगे हम लोग कोलोइड विलयन का वर्गीकरण करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए।
फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो कोलाइड विलयन का वर्गीकरण तीन आधार पर होता है। तो यहाँ पे भौतिक अवस्था के आधार पर किया गया है, यहाँ पे सारणी में सबको एक एक करके बताया गया है। यहाँ पे जो VVI हैं जो आ जाते हैं एग्ज़ाम में उसको भी लिख दिया गया है, वो भी लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा वर्गीकरण है, दूसरा आधार है, इसमें द्रव रागी और द्रव विरागी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सब VVI हैं, दोनों दोनों में अंतर पूछ लेता है। तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा गया है, इसको लिख लीजिए। और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फिर आता है यहाँ पे द्रव विरागी कोलाइड, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे विरागी के बारे में है, लिख लीजिए। फिर आगे देखिए, यहाँ पे आ गया तीसरा वर्गीकरण का आधार। तो कणों के प्रकार है, यहाँ पे कोणों लिखा, कणों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण, आणविक, फिर से बहुआणविक, सहचारी, इन सब के बारे में एक एक करके आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे और भी लिख लीजिए। फिर ये भी है दूसरा, फिर आगे तीसरा सहचारी कोलाइड, इसको देख लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे आ गया सहचारी कोलाइड में। आगे उदाहरण है साबुन और मार्जक का, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। मिसेल्स भी पूछा जाता है यहाँ पे साबुन के बारे में, और अपमार्जक के धोने की क्रिया विधि ज़्यादा पूछ ली जाती है, तो उसी को आगे देखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे और भी है, ये फिगर है, इसको बना लीजिएगा फिगर को, तब आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे अपमार्जक के बारे में, फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे दोनों में शोधन की क्रिया विधि बताई गई, ज़्यादा VVI है, इसको लिख लीजिए। ये और थोड़ा यहाँ पे, हाँ अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे आएगा कोलाइड निर्माण की विधियाँ, इसको देखेंगे। पहला रासायनिक विधि, फिर आगे यहाँ पे आ गया वैद्युत अपघटनीय ब्रेडिंग आर्क विधि। अब आगे देखिए, फिर ये रहा इसके बारे में, फिर आगे फिगर है। अब आ गया पेप्टीकरण, जो कि VVI है, इसको लिख लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे है शुद्धिकरण, इसको देख लीजिए। फिर आगे आ गया अपोहन, फिर और भी है इसके आगे, ये रहा लिख लीजिए इसे। फिर हम लोग आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे चित्र है, फिर आगे है वैद्युत अपोहन, इसको लिख लीजिए। फिर आगे और भी है इसके बारे में यहाँ पे, ये हाँ। फिर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आ गया कोलाइड विलयनों का गुण, पहला है अणु संख्या गुण, फिर आगे है टिंडल प्रभाव, ये ज़्यादा एग्जाम में आ जाते हैं, VVI है एग्जाम की दृष्टि से। फिर आगे है कोलाइड विलयन चित्र बनाया गया है, चित्र आप देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर आ गया ब्राउनी गति, ये भी VVI है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे फिगर बनाया गया ब्राउनी गति का, जिगजैग मोशन। फिर और भी कुछ पॉइंट्स है, फिर आ गया लास्ट में वैद्युत कण संचलन, चौथा वाला है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। फिर यहाँ पे और भी है पॉइंट्स, फिर फिगर है, फिगर बना लीजिए। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पे है स्कंदन या अवक्षेपण, इसको देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे लिख लीजिए और भी पॉइंट्स है। फिर आगे आ गया रक्षी कोलाइड, ये नया हेडिंग है। अब बहुत ही अच्छा VVI पॉइंट्स है स्वर्ण कोलाइड का, नहीं स्वर्ण संख्या का, जो एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, इसको देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे विभिन्न सॉल का स्वर्ण संख्या दिया है,
ये ज़्यादा पीबीआई है क्योंकि इनसे ज़्यादा पूछ लेता है एग्ज़ाम्स में। ठीक, ये सब के सब पीबीआई हैं, इनमें से किसी का भी आपसे पूछ लेगा एग्ज़ाम में। अब आगे आता है पायस, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पायस है, फिर पायस के प्रकार है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पायसी कर्मक या पायसी कारक, अब इसको लिख लीजिए। फिर आगे और भी पॉइंट्स हैं इसके बारे में। फिर यहाँ पे हो गया और ये यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में अध्याय 6 तत्वों का निष्कर्ष